मध्य प्रदेश में बिजली और शराब को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में पिछली कमलनाथ सरकार के कुछ फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल शिवराज सरकार ने 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए बिल की योजना से इनकम टैक्स देने वाले 5 लाख उपभोक्ताओं को बाहर किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बदलाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि अब शिवराज सरकार हमारी इस जनहितैषी योजना से मध्यम वर्ग के लोगों को बाहर करने की तैयारी कर रही है। शिवराज सरकार का ये फैसला जन विरोधी है। कोरोना महामारी से पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे मध्यम वर्गीय लोगों पर इस निर्णय से बड़ी मार पड़ेगी। सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। इसके अलावा आपको बता दें कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार का घेराव किया। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रदेश की शिवराज सरकार शराब प्रेमी सरकार है और शराब की दुकानें और शराब के कारोबार को बढ़ाने के लिए रोज नए फैसले लेने का काम करती रहती है। यदि प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाई गई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम सदन से लेकर सड़क तक इस जन विरोधी फैसले का खुलकर विरोध करेंगे। उन्होंने आगे लिखा है, कितना शर्मनाक है कि जो भाजपा चुनाव के पूर्व शराबबंदी की बात करती थी, वो आज मध्य प्रदेश को शराब के दलदल में झोंकने की तैयारी कर रही है। अब जहरीली शराब के नाम पर शराब दुकानों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। आगे कमलनाथ ने कहा, मैं तो शुरू से ही कहता आया हूं कि मध्य प्रदेश में भले ही लोगों को राशन ना मिले, लेकिन सरकार शराब जरूर उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार शराब की दुकानें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि राजस्थान में 1 लाख की आबादी पर 17, महाराष्ट्र में 21 और यूपी में 12 दुकानें हैं, जबकि मध्य प्रदेश में ये तादाद सिर्फ 4 है, इसलिए प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ानी चाहिए। ये तर्क आबकारी अधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को उस वक्त दिया गया है जब जहरीली शराब कांड के बाद सूबे की सियासत गरमाई हुई है। बहरहाल मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए जहरीली शराब कांड के बाद कांग्रेस हमलावर है, वहीं शिवराज सरकार सूबे में शराब की दुकानें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।